अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारियों और सरकार के बीच बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में पटवारियों की मांगों पर सहमति नहीं बनी। दरअसल पटवारियों का कहना है कि उनके मौजूदा पे स्केल को बढ़ाया जाए। बता दें कि 31 जनवरी तक हड़ताल जारी रहेगी, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। राज्य में पटवारियों और कानूनगो ने एसोसिएशन के आह्वान पर तहसीलों में धरना प्रदर्शन जारी रखा। हड़ताल की वजह से लोगों को तहसीलों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर सहित पटवारी और कानूनगो के अंतर्गत आने वाले 75 तरह के काम नहीं हो रहे हैं। हमारे एफडी अनुराग रस्तोगी जी से तो उन्होंने कई मुद्दों पर हमारी जो पे स्केल की रिगार्डिंग जो बात थी वो रखी है। हालांकि हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, लेकिन हम अब अपनी विचार अपनी मीटिंग हम करेंगे हमारा संगठन, और अभी एक मीटिंग हमारी एफसीआर साहब के साथ भी होनी है, तो वहां पर हम चर्चा दोबारा से करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्थिति क्लियर कर पाएंगे। अभी हालांकि हमारे 29-30-31 दिनों दिन धरने अभी जारी, हो सकता है अभी दूसरे दौर की एफसीआर साहब के साथ होने की संभावना। मांगे नहीं मानी तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दी मांगे, क्या उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने भी विचार करने को पुनर्विचार करने को कहा है। दो पॉइंटों पर चर्चा हुई है, वो कौन कौन से दो पॉइंट है सर? ये हमारे पे स्केल का था और एसपी का। हम चाह रहे थे कि वो पे जो है वो 2016 से हो, तो उन्होंने इसमें कुछ कानूनी अड़चन बताई है, अगर वो दूर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल आपकी जारी रहेगी। अभी तो हमारी हड़ताल जारी, अभी अनिश्चित काल तक हड़ताल है कि 31 तारीख? नहीं, 31 तारीख तक है, उसके बाद फिर भाईचारे की हमारे संगठन की मीटिंग बुला के फिर विचार किया जाएगा। दूसरे दौर की मीटिंग कब होगी सर? हो सकता है वो आज ही हो जाए, एफसीआर साहब बैठे होंगे तो।